बनाएंगे गेहूं के आटे से बहुत ही जबरदस्त और चटपटा नाश्ता। इसे आप बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं या फिर आप शाम को गर्मा गर्म चाय के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। जिन लोगों को मैदा से बनी हुई चीजें पसंद नहीं है वो इसे जरूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा जबरदस्त नाश्ता है ये। पहले कुछ चीजें इकट्ठी कर लेते हैं इसे बनाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आटा लगा लेंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने ले लिया है गेहूं का आटा और उसके अंदर मैं मिला रही हूँ नमक। साथ में इसके अंदर हम डालेंगे अजवाइन, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है और इस नाश्ते को भी बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर देगी। तो नमक इसके अंदर चला गया, अजवाइन चली गई और साथ में हम इसके अंदर डालेंगे सूजी। आप चाहें तो इसकी जगह चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे डालने से हमारा जो ये नाश्ता है वो बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनेगा। साथ में हम इसके अंदर डाल देते हैं 2 टेबल स्पून रिफाइंड या फिर तेल। इसे डालने से हमारा स्नैक्स जो है वो बहुत ही खस्ता बनेगा, तो इसे आप जरूर डालें। और साथ में अब हम इन सारी चीजों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर ये सारी चीजें आपने अच्छे से मिक्स नहीं करी तो हमारा स्नैक्स जो है वो अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो मेक श्योर आप सारी चीजें अच्छे से मिक्स कर लें पहले हाथ से, और मिक्स करने के बाद आप इसे देखेंगे कि ये हाथ में लेकर कुछ लड्डू जैसा ये बनना शुरू हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा हमें टाइट इसे नहीं रखना है, जैसे ही आपका थोड़ा सा ये लड्डू बनना शुरू हो जाए बस उसी स्टेज तक हमें ये सारी चीजें इसके अंदर डालनी है। और अगर हम इसके अंदर ज्यादा रिफाइंड या तेल डाल देंगे तो ये बहुत ज्यादा खस्ता बन जाएगा और टूटेगा। और साथ में हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका एक रोटी जैसा आटा तैयार कर लेते हैं, जो कि थोड़ा सख्त होगा। बहुत ज्यादा नरम आटा हमें गूंदना नहीं है, हमें थोड़ा टाइट आटा हमें गूंदना है यहाँ पर, लेकिन चिकना होना चाहिए। तो मेक श्योर आप इसे अच्छे से कम 4 से 5 मिनट तक इसे गूंदेंगे और लास्ट में हम इसके ऊपर थोड़ा सा रिफाइंड लगाकर इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तब तक हम अपनी स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है पैन और इसके अंदर मैं रिफाइंड डाल देती हूँ, और जैसे ही रिफाइंड थोड़ा सा गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर अच्छी सी खुशबू के लिए डाल देंगे हींग। फ्लेम मैंने कर रखी है मीडियम पर, तो हींग जैसे ही हल्की सी भुन जाएगी हम इसके अंदर डाल देंगे ये उबले हुए आलू जो मैंने मैश कर लिए हैं। और साथ में इसके ऊपर हम डाल देते हैं कुछ सूखे मसाले। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, साथ में हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। यहाँ पर मैं कलर वाली कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, और साथ में इसके अंदर जाएगा ये चाट मसाला पाउडर। और थोड़ा खट्टा करने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे आमचूर पाउडर यानी कि खटाई, और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे नमक। तो क्योंकि हमने आटे में भी नमक डाला हुआ है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इन आलुओं में भी नमक डाल लें। और साथ में इसके ऊपर जाएगा फ्रेश हरा धनिया बारीक कटा हुआ। और अब हम इन आलुओं को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेते हैं ताकि सारे मसाले जो हैं वो हमारी स्टफिंग में अच्छे से भून जाए। और हम इस आलू को थोड़ा सा मैश भी कर लेंगे क्योंकि अभी हमें इसे फैलाना है रोटी के ऊपर, तो इसे हम थोड़ा सा मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे आलू हो चुके हैं तैयार और आटा भी रेस्ट कर चुका है। तो अब हम इसको 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे आटे को। तो यहाँ पर मैं 3 भागों में इसको डिवाइड कर लेती हूँ आटे को, और फिर मैं इसकी बना लूंगी लोई जैसे हम रोटी की बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें इसे बनानी है। अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम इसकी लोई बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए ये पेड़ा बन के तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम तीनों लोइयों को तैयार कर लेंगे। आटा हमारा इतना सख्त होना चाहिए कि जब हम इसे बेलें तो हमें डस्टिंग के लिए किसी भी प्रकार के आटे की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पर मैंने ये बेल के एक बड़ी सी रोटी बना ली है। गोल रोटी बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसे हमें रोल करना है और हमें इसे पतली रोटी बनानी है। और उसके ऊपर हम जो हमने स्टफिंग तैयार करी है वो हम उसके ऊपर रख देंगे और इसको अच्छे से फैला लेंगे क्योंकि आलू ठंडे हैं तो मैं हाथ से भी इसको फ्लैट कर सकती हूँ। बीच में हमें थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है किनारे पर क्योंकि हम इसे अभी रोल करने वाले हैं। तो अच्छे से जब ये फैल जाएगा तब हम इसे इस तरह से रोल करना शुरू करेंगे। ये बहुत ही आसानी से रोल हो जाता है। ये देखिए कितनी आसानी से ये रोल हो रहा है। और रोल करने के बाद हमें इसे थोड़ा सा फ्लैट करना है कुछ इस तरह से, ताकि जो किनारे हैं वो अच्छे से चिपक जाए। ये हमारी तैयार हो चुकी है और अब हम इसके किनारों को काट देंगे क्योंकि यहाँ पर स्टफिंग नहीं है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखिए इसके अंदर स्टफिंग नहीं है। तो हम दोनों किनारियों को थोड़ा थोड़ा काट लेंगे और अब हम इसके आधा आधा इंच के लगभग टुकड़े काट लेते हैं। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इसको थोड़ा बड़ा भी रख सकते हैं या फिर थोड़ा छोटा भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इतना ही रखा है। तो ये सारे पीसेस हमारे कट चुके हैं। अब कटने के बाद हम एक पीस को अपने हाथ पे रखेंगे और इसको हथेलियों से हल्का सा, हथेली पर रखकर इसको हल्का सा फ्लैट कर देंगे। ऐसा करने से जब हम इसे तेल में डालेंगे तो उसकी अंदर की स्टफिंग बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। और इसी तरीके से हम सारे तैयार कर लेंगे और अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन लिया है, आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा कम तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम एक एक करके सारी पिनव्हील्स इस तेल के अंदर डाल देंगे। जैसे हमारा तेल गर्म हो जाता है, मीडियम फ्लेम पर मैंने तेल को गर्म कर लिया है, और आप थोड़ी से आटे का टुकड़ा इसके अंदर डाल के देख लीजिए, अगर वो धीरे धीरे ऊपर आता है तो बस उसी उतनी ही हीट पर हमें ये सारी स्नैक्स इसके अंदर डालने हैं। तो ये सारे डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा सेक लेंगे और जैसे ही थोड़ा सा सिक जाएंगे तो हम इस तरीके से पैन को थोड़ा सा हिला लेंगे ताकि जो ऑयल है वो इसके ऊपर आ जाए और ये ऊपर से भी हल्का हल्का सिकना शुरू कर दे। और जब ये नीचे से सिक जाएगा तब हम इसे पलट देंगे और नीचे से भी इसे सेक लेंगे और बीच बीच में इसे हम हिलाते रहेंगे ताकि सब तरफ से इवनली ये सिक जाए अच्छे से। और इसे हम मीडियम फ्लेम पर इसे हम सेक रहे हैं और जैसे ये लाल रंग का हो जाता है थोड़ा सा, हम इसे इस तरीके से निकाल लेंगे
बास्केट में ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। इसे आप हरी चटनी या सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं या फिर बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। हेल्दी नाश्ता है क्योंकि गेहूं के आटे से बना है। सुबह आपको बहुत जल्दी हो रही हो, लंच में कुछ बढ़िया सा बनाना हो आपको, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एकदम क्विक ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप शाम के नाश्ते में भी इसे बना सकते हैं। फटाफट बनने वाला ये हेल्दी कम तेल का नाश्ता है, तो इसे ट्राई करें। देखते हैं इसे पहले आपको क्या करना है। उसके लिए हमें चाहिए 1 कप सूजी, 3 छोटे चम्मच तेल, 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, अगर आपके बच्चे हरी मिर्च पसंद नहीं करते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, 2.5 कप पानी, 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच राई या मस्टर्ड सीड्स, 1/4 छोटा चम्मच जीरा, 7 से 8 कड़ी पत्ता लीव्स, 2 साबुत लाल मिर्चें, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे और मैं गैस ऑन कर देती हूँ। और सबसे पहले हमें जो सूजी है उसको हल्का सा रोस्ट करना है। रोस्ट बहुत ज्यादा नहीं करना है, कलर चेंज बिल्कुल नहीं करना है आपको, सिर्फ मीडियम फ्लेम पर कुछ मिनट तक आपको इसे फ्राई करना है, रोस्ट करना है, जब तक कि हल्की सी खुशबू ना आने लगे, बस जब तक। आप देख रहे होंगे इसका कलर व्हाइट ही है, कलर चेंज होने तक नहीं करना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक करना है हल्की सी खुशबू आने तक। उसको हम निकाल लेंगे, वापस से उसी कढ़ाई में हम तेल डाल देंगे और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्चें। और हरी मिर्च डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे और हरी मिर्च को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फ्लेम मैंने कर रखी है लो से मीडियम तक ताकि हरी मिर्च जल ना जाए, तेज तेल जो है वो बहुत ज्यादा गर्म ना हो। और यहाँ पर आप इस स्टेज पर 1/4 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक भी डाल सकते हैं। साथ में जैसे ही थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी हम इसके अंदर डाल देंगे पानी, और पानी डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे नमक, तो नमक गया इसके अंदर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्लेवर के लिए इसके अंदर कद्दूकस करके अदरक भी डाल सकते हैं या फिर आप इसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने बहुत सिंपल वे में बनाया है तो यहाँ पे मैंने सिर्फ हरी मिर्च और नमक डाला है। उसको हम मिक्स कर लेंगे। अब हम फ्लेम को कर देंगे हाई और 1 उबाल आने देंगे, और जैसे ही 1 उबाल आ जाएगा हम फ्लेम कर देंगे वापस से लो, और धीरे धीरे करके हम इसके अंदर रोस्ट की हुई सूजी को ऐड करेंगे। तो एक साथ सारी सूजी ना डालें, थोड़ी थोड़ी सूजी डालें और लगातार आप इसे चलाते रहें, वो इसलिए ताकि इसके अंदर लम्स ना रहें। तो सूजी के अंदर अगर लम्स नहीं रहेंगे तो आपके जो बॉल्स होंगे सूजी के वो एकदम चिकने बनेंगे। तो कोशिश कीजिए जैसे आप सूजी थोड़ी थोड़ी डाल रहे हैं तो दूसरे हाथ से आप कंटिन्यू उसको चलाते रहें। और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते रहेंगे। बेसिकली हमें क्या करना है कि सारा पानी जो है वो सूजी एब्जॉर्ब कर ले, तब तक हमें इसे पकाना है। तो हम थोड़ा देर चलाने के बाद मैं इसको 1 से लेकर 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर करके इसको ढक दूंगी ताकि सारा पानी जो है वो सूजी एब्जॉर्ब कर ले, जैसे हम सूजी का हलवा बनाते हैं, बस वैसा ही प्रोसेस है। तो आप देख रहे होंगे कि अब इसके अंदर पानी बहुत थोड़ा सा बचा है, तो अभी हमें इसे लगातार चलाते रहना है। यहाँ मैंने फ्लेम कर रखी है मीडियम, और मीडियम फ्लेम पर हमें तब तक इसे चलाना है जब तक ये सारा पानी एब्जॉर्ब ना कर ले सूजी। तो यहाँ मेरी सूजी ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है, और उसके बाद हम इसे एक बड़े बोल में ट्रांसफर कर लेंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। तो कम्प्लीटली आपको इसे ठंडा होने देना है, क्योंकि जब ठंडा हो जाएगा तभी आटे की तरह हो जाएगा, तभी हमारी सूजी बॉल्स परफेक्ट सूजी बॉल्स बनेंगी। तब तक हम एक तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई ली है और उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है, 2 कप पानी डाला है, और उसके ऊपर मैं इस तरीके से छलनी रख लूंगी, वो इसलिए क्योंकि अभी हमें इन बॉल्स को थोड़ा सा स्टीम करना है। तो आप इसके जगह पे आप स्टीमर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह बहुत इजी वे है, कढ़ाई लीजिए, पानी डालिए और उस कढ़ाई में उसके ऊपर आप छलनी रख दीजिए। छलनी सबकी होती है, तो वो छलनी जो है वो पानी से ऊपर होनी चाहिए, ध्यान ये रखना है आपको। तो उसको हम गर्म होने रख देंगे, और यहाँ आप देखेंगे कि आपका जो सूजी है वो भी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। तो बस आपको करना क्या है, इसकी बोल्स बनाना शुरू कर देंगे। हम पहले अपने हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि अगर ग्रीस नहीं करेंगे तो थोड़ी सी हाथ पे सूजी जो है वो चिपक सकती है। और सिंपली वे में आपको गोल गोल राउंड शेप की आपको चिकना होने तक ये बोल्स बना लेनी है। ये देखिए कितनी बढ़िया सी सूजी बॉल्स बनकर आई है, और कितनी फटाफट भी और एकदम चिकनी बनी है। बस इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेते रहेंगे और इसकी हम सूजी बॉल्स बना लेंगे। तो सूजी की बॉल्स की शेप जो है वो आपको गोल रखनी है, साथ में आप इसका साइज जो है वो थोड़ा बड़ा और थोड़ा छोटा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या अपने अकॉर्डिंग आप इसको रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये प्रेफर करूंगी कि आप थोड़ी छोटी छोटी सूजी बॉल्स बनाइए, एक तो बच्चे उसे बड़े मजे से खाएंगे जो वो थोड़ी अट्रैक्टिव सी लगेंगी, और साथ में वो आसानी से आप उठा के खा भी सकते हैं। तो यहाँ मेरी सारी सूजी बॉल्स बनके तैयार हो चुकी हैं। स्टीमर में पानी गर्म हो चुका है, कढ़ाई में उबल चुका है यानी कि खोल रहा है वो। तो हम क्या करेंगे कि इस छलनी को ग्रीस कर लेंगे। यहाँ जो आपको ग्रीस करना है उसके बाद हमें करना क्या है, वो जो सूजी बॉल्स हैं उन बॉल्स को इसके ऊपर रख देना है, और उसके बाद आपको फुल फ्लेम पर सिर्फ घड़ी देख के 1 से 2 मिनट तक इसको स्टीम करना है। वो इसलिए कि अगर हम इससे ज्यादा स्टीम करते हैं तो ये जो बॉल्स हैं वो बहुत सॉफ्ट हैं, और ये फूलेंगी जब हम इन्हें स्टीम करेंगे, तो ये फूलेंगी अपने साइज से थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाएंगी। तो अगर हम ज्यादा स्टीम करेंगे तो ये फट जाएंगी और बहुत ज्यादा चिपचिपी भी हो जाएंगी। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने सिर्फ 2 मिनट घड़ी में देख के फुल फ्लेम पर इसको स्टीम किया था, उससे क्या हुआ इसकी शेप भी खराब नहीं हुई, साथ में ये और भी ज्यादा सॉफ्ट हो गई। जब आपको देखेंगे कि जब आप ये सूजी बॉल्स बनाएंगे तो हल्की सी आपको हार्ड लगेंगी, लेकिन आफ्टर स्टीम करने के बाद ये एकदम सॉफ्ट हो जाएंगी और साइज में भी थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, क्योंकि सूजी जो है वो और ज्यादा फूल जाएगी। जैसे हमारी इडली होती है जब हम उसे स्टीम करते हैं तो वो और भी ज्यादा फ्लफी हो जाती है। तो बस ये फ्लफी करने का आपका एक छोटी सी ट्रिक है। तो आपको घड़ी देख के 2 मिनट तक फुल फ्लेम पर इसको स्टीम करना है, और 2 मिनट बाद आप जब देखेंगे तो एकदम से फ्लफी सूजी की बॉल्स आपको मिलेंगी।
तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो, तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। तो सूजी बॉल्स हमारी स्टीम हो चुकी है, अब करते हैं इसके फ्राई करने की तैयारी। तो यहाँ मैंने वापस एक कढ़ाई ले ली है, थोड़ा सा इसमें हम तेल डालेंगे, जस्ट 3 टेबल स्पून। तो आप देख रहे होंगे कि इस सूजी बॉल्स में सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि ये हेल्दी है, क्योंकि इसमें बहुत कम तेल का इस्तेमाल किया गया है। आप चाहें तो इससे भी कम तेल में इसे बना सकते हैं। तो हुई ना हुई ये हेल्दी रेसिपी भी है और टेस्टी तो ये है ही। तो यहाँ पर हमारा तेल हो चुका है गरम, और गरम होने के बाद जैसे ये थोड़ा सा गरम हो जाएगा, फ्लेम मैंने कर रखी है मीडियम पर, कभी भी हाई फ्लेम पर तेल को गरम ना करें, क्योंकि कुछ भी आप उसके अंदर डालेंगे इंग्रेडिएंट वो जल सकता है। इसलिए थोड़ा सा आप इसको मीडियम फ्लेम पर रखें, और थोड़ा सा गर्म होगा हम इसके अंदर डाल देंगे राई, और राई जैसे ही चटकनी स्टार्ट होगी हम इसके अंदर डाल देंगे ये जीरा। तो ये जीरा जो है ये भी ऑप्शनल है भाई, कई लोगों को हो सकता है पसंद ना आए, तो आप इसे खाली राई में भी फ्राई कर सकते हैं। और यहां मैंने लेकिन जीरे का भी इस्तेमाल किया है, तो आप इसके अंदर जीरा डाल दें, राई इसके अंदर चली गई, और जैसे ही वो थोड़ी सी क्रैक होना शुरू होगा जीरा, तो जीरा जो है वो जैसे ही क्रैक होना शुरू होगा हम इसके अंदर डाल देंगे बाकी की चीजें। तो बाकी की चीजों में मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ करी लीव्स का, ये फ्रेश करी लीव्स हैं, करी पत्ता है फ्रेश। तो फ्रेश अगर आपको मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसकी खुशबू फ्रेश की बहुत अच्छी होती है बजाय ड्राई की। अगर ड्राई है तो कोई बात नहीं, आप वो भी डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे फ्रेश इस्तेमाल करी है। तो ये करी पत्ता मैंने 7 से 8 डाल दिया। उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे ये साबुत लाल मिर्चें, इसका तीखापन हमारे सूजी बॉल्स को देगा एक अच्छा सा फ्लेवर। तो यहाँ आपकी करी पत्ता चला गया, साबुत लाल मिर्ची चली गई। अच्छा, आप चाहे तो कुछ लोग साउथ में इसके अंदर दाल भी डालते हैं, तो आप इसके अंदर चने की दाल और धुली उड़द की जो व्हाइट वाली दाल होती है वो भी एक एक चम्मच छोटा डाल सकते हैं इसके अंदर इसी स्टेज पर, उसको आप थोड़ा सा भून ले। बट मैंने यहाँ पे वो नहीं डाला है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, बहुत बेसिक रेसिपी है, सिंपल और फटाफट बनने वाली रेसिपी है। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर है, साथ में हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा कलर देने के लिए हल्दी पाउडर। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप चाहे तो इसके अंदर सांभर मसाला भी डाल सकते हैं। वो कितना डालना है आपको, वो आपको सिर्फ डालना है 2 छोटे चम्मच। अगर आपको कुछ अलग सा फ्लेवर चाहिए, कुछ टैंगी सा चाहिए, ये आपके ऊपर है कि आप इन सूजी बॉल्स को बहुत कुछ अलग फ्लेवर भी दे सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ ये काफी बेसिक है, साथ में मैं आपको टिप भी दे रही हूँ कि आप इसके अंदर ये भी चीजें ऐड कर सकते हैं। आप इसके अंदर थोड़े से काजू को रोस्ट करके भी डाल सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है। तो बाकी हमारी सूजी बॉल्स इसके अंदर चली गई है, मीडियम फ्लेम है, और अब हम इसको अच्छे से टॉस कर लेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे बहुत हल्के हाथ ये काम करना है, सूजी बॉल्स टूटनी नहीं चाहिए, इसलिए आप बहुत हल्के हाथ से करिए। मैं चाहती तो इस दोनों कढ़ाई के जो हैंडल्स हैं उनको कपड़े से पकड़ के टॉस भी कर सकती थी। अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस हैं खाना बनाने में तो आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन जो बिगिनर्स हैं वो इसी तरह से जैसे मैं कर रही हूं, इस तरीके से आप करछी की हेल्प से हल्के हल्के हाथ से इसको टॉस कर लीजिए और सारा मसाला इन सूजी बॉल्स पे चिपक जाए। तब तक आप इसको मिक्स करिए सिर्फ मीडियम फ्लेम पर, लो से मीडियम फ्लेम पर ये काम करना है। देखिए फ्राई हो चुके हैं, फटाफट से बन चुके हैं, तैयार हो गया हमारी रेसिपी। आप इसे टमाटो की चटनी के साथ ट्राई कीजिए, बहुत जबरदस्त लगते हैं। लाल चटनी जो आती है ना, बस उसके साथ आप ट्राई करना, बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप खा रहे हैं तो बच्चों को दे रहे हैं तो सॉस के साथ भी दे सकते हैं, या फिर हरी चटनी थोड़ी कम तीखी वाली के साथ भी दे सकते हैं। तो नाश्ते में बनाइए, इवनिंग स्नैक्स में बनाइए, या फिर ऐसे ही कभी भी बनाइए। बहुत पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, सबके साथ शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिले। थैंक यू सो मच।